सो वेलकम यू ऑल गाइज. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन. सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट देर आर फोर फ्रेंड्स हु आर सिटिंग इन अ क्लास इन दिस मैनर एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मोमेंट चंपा एंड चमेली. ओके सो देर आर टू मोर फ्रेंड्स. सो दिस वन इज चंपा एंड द अनदर वन इज चमेली. ओके सो वॉट चंपा सेड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. चंपा सेट दैट द लाइन जॉइनिंग दीज फोर पॉइंट्स सीम्स टू बी अ स्क्वायर. सो चंपा सेट दैट दिस सीम्स टू बी अ स्क्वायर बट चमेली सेट नो दिस इज नॉट अ स्क्वायर. ओके सो दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द चंपा एंड चमेली. सो वी हैव टू शो विच वन इज करेक्ट. ओके वी हैव टू फाइंड विच वन इज करेक्ट एंड बाय विच मैथड वी हैव टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दीज पॉइंट्स to find out the actual distance between the AB and the BC and the CD and DA. So we'll start solving question number 5. So in this we know that distance formula is given by x2 minus x1 plus y2 minus y1 raised to the power 2. Okay, so this one is the distance formula. तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए सबसे पहली बात. तो सो डिस्टेंस तभी कैलकुलेट करेंगे हम. तो देखिए आप एक इसके कोऑर्डिनेट्स में कैलकुलेट करता हूँ सबसे पहले क्या होंगे. तो देखिए आप मुझे बताइए इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा. ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 1, 2, 3. क्योंकि देखिए मैं इसे क्या मान रहा हूँ, एक्स एक्सिस, और इसे मैं सपोज कर लेता हूँ वाई एक्सिस. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सीन हो गया पूरा. तो यहाँ पे ये कितना होगा, 3, 4. सो ये हो जाएगा 3, 4. अब ठीक है बी वाले को देखते हैं हम यहाँ पे ये क्या होगा. तो देखिए बी वाले में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6, और वाई का क्या हो जाएगा, 7. सो ये हो जाएगा 6, 7. इसके बाद सी के लिए देखते हैं, चलिए हम सी में क्या होगा, 9, 4. सो ये हो गया 9, 4. डी के लिए सिमिलरली देखते हैं, डी के लिए क्या हो जाएगा, ये होगा 6, 1. तो ये हो जाएगा 6, 1. अब मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. अब ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला कि इसको स्क्वायर प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है, या फिर शो करना है कि ये स्क्वायर है या फिर नहीं है, वो डिसाइड करेंगे. तो देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके इक्वल, प्लस आपके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल. सो आपके डायगोनल्स भी कैसे होने चाहिए, इक्वल. रीजन क्या है, डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं होंगे सो इट कैन बी अ रॉम्बस ऑल्सो. ठीक है तो आपके ये रॉम्बस का भी केस हो सकता है. इसीलिए एडजेसेंट साइड तो इक्वल होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो साइड्स को ले लेंगे एडजेसेंट साइड को, जैसे ए बी और बी सी ले लेंगे. ठीक है और डायगोनल्स मतलब ए सी और बी डी इनको इक्वल प्रूव करेंगे. तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे और बी सी इन दोनों को इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे. चलिए तो यहाँ पे देखते हैं ए बी क्या है. एक्चुअल में प्रूव नहीं करना, हमें तो बस फाइंड करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है. तो चलिए ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए आप ये हो जाएगा 6 माइनस 3. ठीक है इसे मैं x2 y2 ले लेता हूँ, ऐसे x1 और y1 ले लेता हूँ. तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 विच इज 6 माइनस 3, और इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, सो 3 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4, ये भी हो जाएगा 3, सो 3 का स्क्वायर अगेन. तो ये ए बी की लेंथ कितनी आ गई, देखिए यहाँ से ये आ जाएगी 3 स्क्वायर. तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, और ये भी हो जाएगा 9. सो 9 प्लस 9 विल बी 18. ठीक है सो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2, और 9 इंटू 2 क्या होता है आपका, 9 तो बाहर आ जाएगा 3 के फॉर्म में और अंदर सिर्फ √2 बचेगा. सो ये क्या आ गया, ये भी √3 √2 यूनिट. ओके अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका जो कि होगा बी सी. तो बी सी की लेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो अगेन बी सी के केस में भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और बी सी के केस में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, सो ये हो जाएगा 9 माइनस 6, तो ये 3 आएगा, प्लस y2 माइनस y1, सो 4 माइनस 7. इस बार आंसर आएगा माइनस में, देखिए ये माइनस में आएगा, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट होगा वो तो सेम ही आने वाला है इसके इक्वल, बिकॉज ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए बी सी विल बी इक्वल टू, चलिए आप मुझे बताइए यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और ये भी -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9. सो अगेन वही केस हो जाएगा, अंदर 18 आ जाएगा. सो 18 का क्या हो जाएगा, 3√2. सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे 3√2. तो देखिए हमारे पास ए बी और बी सी की लेंथ आ गई, इट मीन्स एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं.
तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कौन कौन से एडजेसेंट साइड्स। सो एक ये साइड हो गया हमारा और एक ये साइड, दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। अब मुझे बस डायगनल्स को इक्वल प्रूव करना है, तो चलिए अब डायगनल्स का केस देखते हैं हम। सो सबसे पहले डायगनल लेंगे हमारा AC, सो AC देखते हैं कितना आ रहा है। सो AC की लेंथ भी हम सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो AC के लिए मैं इसे X2 Y2 ले लेता हूँ और इसे X1 Y1। सो 9 माइनस 3 विल बी 3, तो इसका स्क्वायर हो गया, सॉरी 6 हो जाएगा, 9 माइनस 3 विल बी 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 माइनस 4 विल बी 0, तो ये 0 का स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 36, तो बाहर क्या आएगा 6 ही आएगा, या क्या 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो AC कितना मिल गया मुझे, 6 यूनिट्स, यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ यूनिट्स। चलिए इसके बाद AC की लेंथ आ गई, अब मैं किसकी लेंथ कैलकुलेट करूंगा, BD की। तो चलिए BD की लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो BD के केस में भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसे मैं X2 Y2 और इसे X1 Y1। सो 6 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 1, और यू कैन से 1 माइनस 7, तो आंसर कितना आना है, 6 ही आना है, या -6 जो भी है उसका स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ से देखिए BD की लेंथ क्या आ गई, यहाँ से मुझे BD मिल गया है 6, और ये भी क्या होगा, यूनिट्स। अब आप मुझे बताओ देखो डायगनल्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, जिसे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। चलिए ये हमारा डायगनल पहला वाला, ठीक है, और ये दूसरा डायगनल है, दोनों की लेंथ कैसी आ रही है, सेम आ रही है, और साथ ही साथ जो दोनों साइड्स हैं मेरे पास, तो ये है मेरे पास दोनों साइड्स, और इनकी भी लेंथ कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इट मीन्स ये आपका जो केस है ये किसका बन रहा है, स्क्वायर का। ये कंडीशन किस में होती है, ये कंडीशन होती है स्क्वायर में। सो आई कैन से दैट ABCD इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर, इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर। चलिए तो स्क्वायर है, तो किसने कहा था स्क्वायर है, चंपा सेड दैट दिस वॉज अ स्क्वायर। सो हु वॉज राइट, चंपा वॉज राइट दैट दिस वॉज अ स्क्वायर। सो गाइज दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।